Qayoom, a local journalist from Jammu and Kashmir's Pulwama, was allegedly threatened by a People's Democratic Party member for reporting the clashes which took place between National Conference Party and the PDP. Qayoom was later admitted to a hospital as he felt unconscious thereafter receiving the phone call. क्योंकि कश्मीरी जो ने एक न्यूज़ किया था वहाँ पे क्लैश ही चल रहा था वो बड़गाम एरिया में आज तो वहाँ पे रिपोर्टिंग था ना वहाँ पे फिर वहाँ पे एनसी और पीडीपी और के ने एक दूसरे से क्लैश किया है फिर रेडर ने कैरी किया एक न्यूज़ उसके बाद ही तकरीबन 20-30 मिनट के बाद मुझे कॉल आया था अनु नंबर से मुझे पता नहीं था ये कौन कॉल कर रहा है दोस्तों मुझे मैंने हेलो किया उसने बोले गालियाँ दी उसने माँ की गालियाँ दी बहन की गालियाँ दी मैंने बोला जनाब आप कौन बात करें बोला आपने बहन चोरी न्यूज़ क्यों किया कैरी हम आपको मरवाएगी आपने ये न्यूज़ मैंने बोला मैंने कोई न्यूज़ कैरी नहीं किया एक्चुअली रीडर ने किया है उसमें मेरी क्या गलती है अगर उसमें गलती हो तो पुलिस स्टेशन जाओ उसकी एफ आई आर करो रीडर के खिलाफ फिर उसके बाद दूसरा फ़ोन आया पता नहीं वो भी कोई लड़का कर रहा है पी डी पी की तरफ उसने भी गालियाँ दिया बोला मैं हमको आपको छुड़वाएगी नहीं हम आपको मारेगी Qayoom works as a stringer for different local news outlets in the region.